नाया, मेहंदी लग रही है नाया के तो। हाँ जी नाया, से थैंक्स टू दीदी। नाया, इट्स माय मेहंदी टाइम। या इट्स माय टर्न नाउ। या डू इट। या शी इज डूइंग। It's only noise. Yeah. Okay. There is no noise. Yeah. My mace. तो हाँ जी, मेरे मेहंदी लग चुकी है। दोनों हाथों पे मैंने सेम डिजाइन ही लगवाया है। एंड टाइम देखिए, अभी टाइम 11:30 का हो रहा है। तो यस, इंडिया में तो करवा चौथ शुरू हो गया होगा। तो मेरी तरफ से सभी लेडीज को करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकें। मैं चाहती हूँ कि सबकी फास्ट जो है अच्छे से पूरा हो जाए और माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। एंड यस, कल मिलते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कैनेडा नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ, मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और आज है 13th of October, विनीपेग में तो स्नो पड़ रही है। स्नो का आगाज़ अच्छे से हो गया है। पहले अर्ली मॉर्निंग हो जाती थी, मुझे नहीं पता चलता था, बट आज हो रही है फाइनली। बट अब दिखा देती हूँ मैं आपको, बट कैमरे में आई थिंक इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रही, बिकॉज मोटी वाली नहीं है, बहुत पतली पतली सी स्नो है। तो दिखाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। और हाँ, उससे पहले आप मेरी मेहंदी देख लीजिए। अभी आई थिंक गाड़ी होगी ये। ये यहाँ पर तो मैंने ज़्यादा लगाई नहीं, क्योंकि अनाया मेरे साथ सोती है। तो फिर वो ना कल बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं मम्मा की मेहंदी को हटा दूँ। मतलब बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, हटाना तो क्या, वो टच करना चाह रही थी मेरी मेहंदी को। तो ये दोनों हाथों में सेम ही है। मैं दूसरे हैंड की भी दिखा देती हूँ आपको। सो या ये है मेरी दूसरे हैंड की मेहंदी। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, देख लिए आपको दिख रहा होगा। सारी रोड्स गीली हैं, ट्रीज़ पर देख लिए ध्यान से, गिर रही है बर्फ़, पर कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रही है। सो दैट्स व्हाई मैं आपको ट्री दिखा रही हूँ। ये देखिए ब्रांचेस, देखिए वाइट वाइट होनी शुरू हो गई हैं, लाइक यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी आपको दिख भी रही होगी, देखिए यहाँ पर ये बर्फ़ पड़ रही है, मैंने ज़ूम किया है। इस बार बर्फ़ बहुत जल्दी पड़नी शुरू हो गई है, तो ठंड भी इस बार अपना कमाल दिखाएगी ही दिखाएगी। सो यस, हेलो एवरीवन, आज तो हमारे यहाँ पर बहुत ठंड हो गई है, स्नो दिखनी शुरू हो गई है। इवन हीट मैंने बढ़ा दी है, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पर चलो कोई ना, अब अकॉर्डिंग टू दैट हमें कपड़े पहनने पड़ेंगे। एंड इंडिया में तो सबका करवा चौथ ऑलमोस्ट डन हो गया होगा, बट हमारा अभी शुरू हुआ है। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:45 का टाइम है, और हमारे लिए तो अभी सारा दिन पड़ा है, बट इट्स ओके, ये टाइम निकल जाएगा। होप सो कि भूख ना लगे, प्यास ना लगे। एंड यस या ये देखिए, आप ग्रास पर स्नो देख सकते हो, अब विजिबल होने लग गई है क्योंकि सुबह से पड़ रही है।
या देखिए रूब्स पर भी देखिए, ये देखिए मैंने अपनी थाली भी प्रिपेयर करनी शुरू कर दी है। तो अभी तो नहीं, मैं कथा करूँगी, बाद में करूँगी, बट यस थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ ना ऐसे होता है कि जब टाइम मिले कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, है ना। तो अभी मैं इसे डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, या फिर या डाइनिंग टेबल पर ही रख देती हूँ। फ्रूट्स भी यहीं पे हैं, बाद में फ्रूट्स रख लूँगी और जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। नाया ना मुझसे पिज़्ज़ा मांग रही है, कहती मम्मा पिज़्ज़ा, बट मैंने कहा पिज़्ज़ा तो नहीं है, तुम्हारे बर्थडे की पेस्ट्री, यू नो जब हम इसका केक लेने गए थे ना बर्थडे का, तो वो बहुत हैप्पी थे, वो उन्होंने बोला, ये बहुत उनसे बातें कर रही थी, वो कहते मैंने इतना एक्टिव बच्चा नहीं देखा अदरवाइज तो, लाइक जैसे उन्होंने बोला कि कनाडा में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, जो बॉर्न होते हैं, वो इतना बातें नहीं करते, इतना फ्रैंक नहीं होते हैं, बट ये सबसे बात कर रही थी, सबको हग दे रही थी, सबको रिस्पॉन्स दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसके बर्थडे पर मैं इसको अलग से एक वनीला पेस्ट्री दूंगा। तो हमने बहुत मना किया पर वो नहीं माने, तो वो कहते नहीं दिस इज़ माई लव फॉर हर, एंड फिर हमने मना नहीं किया, इसका बर्थडे भी है था सॉरी उस दिन। पेस्ट्री खा लो, आ जाओ, आओ मम्मा खिलाए, आ जाओ। वो देखिए क्या कर रही है, ट्वाइस दोबारा से रख लिए, मेरी पिक्चर लेकर आई है यहाँ पे फैला रख दी है। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, डूइंग व्हाट, ईट इट। या मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आई डोंट नो, बहुत ही ठंडी हो गई है, तो मैंने अभी शरक डाला है, तो अच्छा फील करूँगी, है ना। सो यस अभी मैं कथा करने जा रही हूँ, तो अनाया नहीं छेड़ो बेटा, अनाया बहुत एक्साइटेड हो रही है कि मम्मा क्या कर रही हैं। कथा मैंने सुन ली है और अभी मैंने रखी है अपनी चाय बनी, ढाई बज रहे हैं, तो यस चाय पीऊँगी, देन थोड़ा सा अच्छा फील होगा। वैसे मुझे भूख नहीं लग रही, ये माता रानी की कृपा ही है, अदरवाइज भूखे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इतना काम करते हैं ना, बहुत बिजी रहते हैं, तो हमें भूख लग जाती है। सो ये देखिए 2:31 एंड ये है मेरी चाय एंड ये है अनाया। पकड़ो 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 अनाया को पकड़ो। हेलो फ्रेंड्स, आज करवा चौथ है तो नेहा ने फास्ट रखे है मेरे लिए, तो हम मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, मैं कुछ तैयारी करा। आ है ने राइस दावत का राइस, ये मैंने राइस भिओते ने पानी च 30 मिनट्स ले, 30 मिनट तक राइस भिओ के रखा, वो तो बाद आपू इस कड़ाही च बनावे। 4:36 हो गए, हम अद्धे घंटे बाद आप स्टार्ट करा राइस बनाने। उन्नी देर आप भांडे धोने, पानी थोड़ा जा एक्स्ट्रा पा लिया। रीजन की है, पहला भिओ के नहीं रखे हुए, तो गैस ते रखांगे। हेलो अगेन, तो अभी ना टाइम हो गया है 7:20 का,
और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज यहाँ पर स्नो पड़ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा पड़ रही है, सुबह से पड़नी शुरू हुई है, अभी भी पड़ रही है, तो फॉर श्योर आज मुझे चंद्रमा तो दिखने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर विनीपेग में चांद देखना तो लाइक बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और आज तो स्नो ही पड़ गई है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बट यस, अब तक का मेरा दिन बहुत अच्छा चला गया और होप करती हूँ कि 2-3 घंटे मेरे और अच्छे से निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर चांद दिखा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार दिख गया था, बादल थे पर दिख गया था, पर बारिश नहीं हुई थी पिछली बार या स्नो नहीं पड़ी थी, पर आज दोनों चीज़ें हो गई हैं। अगर आज नहीं दिखा तो अज्यूम करके मन में माथा टेक लूँगी एंड या अपना व्रत खोलूंगी, अदरवाइज क्या होता है मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को एंड तक रखने का कि हुआ कि नहीं हुआ, फिर वीडियो आज नहीं जा पाएगी, और मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। बट यस, अभी एक ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि मैं चांद देख पाई या नहीं देख पाई, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगी। एंड यस, इन बिटवीन शर्मा जी ने मेरी बहुत हेल्प की है, उन्होंने खाना प्रिपेयर कर दिया है, उन्होंने मेरे फेवरेट राजमा एंड राइस बनाए हैं, सो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि नेहा ने मेरे लिए फास्ट रखा है। इवन यू नो इन दीज डेज मैं अच्छा फील नहीं कर रही, मैं बीमार हूँ, मैंने आपको वो नहीं बताया, मैं रोज़ बोल देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, है ना, बट नहीं, मैं बीमार चल रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था कि नेहा सेहत ज़रूरी है, अगर तुमसे फास्ट नहीं हो पाएगा तुम मत रखना, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है, तो बट मैंने आज मेडिसिन भी नहीं खाई, मैंने कहा नहीं इट्स फाइन, एक दिन नहीं खाऊंगी कुछ नहीं होगा, तो लाइक मैंने फास्ट रखा है। इवन मेरे हस्बैंड मुझे सुबह भी बोल कर गए थे जब वो जॉब पर जा रहे थे कि नेहा फास्ट मत रखना, अपनी मेडिसिन ले लेना, बट मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बोला था ठीक है मैं देख लूँगी क्या कैसे करना है, बट यू नो जब से मैरिज हुई है हर साल करवा रखती हूँ, तो इस बार कैसे छोड़ सकती हूँ। आई नो मैं बीमार हूँ बट एक दिन नहीं मेडिसिन खाऊंगी, फाइन देखते हैं, भगवान मेरे साथ है, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। तो यस, चलिए मैं ये क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ आप सबके सामने, हिम्मत रखनी होती है, हर चीज़ को करने की चाह होनी चाहिए, हर चीज़ हो जाती है, एंड मैं बहुत खुश हूँ आज की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरा सारा दिन चला गया, 2-3 घंटे रह गए हैं वो मैं निकाल दूंगी, फाइन। एंड यस, आप प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, एंड इस वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए कि मैं चांद देख पाई या नहीं देख पाई। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।